नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर महिला समूहों द्वारा निर्मित महुआ के विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं आय उत्पादों की सराहना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर महिला समूहों द्वारा निर्मित महुआ के विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं आय उत्पादों की भी सराहना की। हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद ग्राम में बच्चों से भरी स्कूल वाहन नदी में गिर गई। स्कूल वाहन में करीब 15 बच्चे सवार थे। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के ज्यादातर स्कूलों में चलने वाले वाहन की हालत खराब है, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट वाहनों से लाना ले जाना किया जाता है, लेकिन आरटीओ विभाग किसी प्रकार से इन वाहनों पर कार्यवाही नहीं करती, जिसके चलते आए दिन बच्चों से भरे हुए वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोई भी प्रशासन नहीं जाग रहा। वाहनों को लेकर यातायात प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। अब खबर झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां सियासत पूरे चरम पर है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए सत्ताधारी दल जेएमएम ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में रांची में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले पहली लिस्ट में जेएमएम ने 35 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से ताल ठोकने का फैसला लिया है। महिला प्रत्याशियों में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा डमरी सीट से बेबी देवी, जबकि ईचागढ़ से सविता महतो अपने राजनीतिक भाग्य आजमाएंगी। बता दें कि इससे पहले झामुमो नीति गठबंधन सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने जमताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा है। इधर चुनाव से कुछ सप्ताह पहले बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। भाजपा के 3 पूर्व विधायक लुइस मरांडी, कृणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू सहित अन्य नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। भाजपा के साथ असंतोष के चलते इस लुइस मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे दलों से आए नेता भाजपा में हावी हो गए हैं और पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और झामुमो में शामिल हो गए। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया था। अब लुइस मरांडी की झामुमो में वापसी से झारखंड की राजनीतिक स्थिति में नया मोड़ आ गया है। इन नेताओं के शामिल होने से झामुमो की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि इससे 2 दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार हाजरा और आजसू पार्टी के उमाकांत रजक भी झामुमो में शामिल हो चुके हैं। उधर झारखंड में 66 उम्मीदवारों की घोषणा करते ही भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेता तेजी से पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। वहीं अब झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। बसंत सोरेन ने दावा किया है कि चंपाई सोरेन जल्द ही जेएमएम में फिर से वापसी करेंगे। इधर बीजेपी
से बगावत जारी है। अब तक विधानसभा की 15 सीटों पर 15 से ज्यादा बागी मैदान में आ चुके हैं। दिलचस्प बात है कि इन सभी बागियों की एक ही दलील है, पार्टी दल बदलुओं और परिवारवाद के मोह में घिर गई है। झारखंड चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अभी 6 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर कई दिनों से मशक्कत चल रही थी और राजद ज्यादा सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं दी गईं, इसलिए गठबंधन और प्रत्याशियों की घोषणा में विलम्ब हुआ। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए यह घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में एकजुट है और हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। उसके थोड़ी देर बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इस सूची के अनुसार गोड्डा से संजय प्रसाद, कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और देवघर से सुरेश पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन के चौथे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मनोज चंद्रा ने अपना नामांकन सिमरिया अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया है। नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुई। कल्पना सोरेन की बातों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित करबला मैदान में हजारों की संख्या में चारों तरफ खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार का 5 साल का कार्यालय बेहद ही सराहनीय और बेमिसाल रहा। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारी सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी रही। मजदूरों को हेलीकॉप्टर से लेकर ट्रेन आदि व्यवस्थाओं से घर पहुंचाया गया और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में झारखंड में भूख के कारण एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। यह हेमंत सरकार की नेतृत्व वाली सरकार की क्षमता दिखाता है। सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना, किचन सहित 3 कमरा का अबू आवास सहित कई योजना प्रारंभ की हैं। केंद्र की सरकार किसानों, मजदूरों, दलितों और आदिवासियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है रखती, उन्हें मात्र पूंजीपतियों की समस्याएं दिखती हैं। जहां केंद्र की सरकार ने पूंजीपतियों का ऋण माफ किया, वहीं हमारी सरकार ने कृषि ऋण माफ किया है। भाजपा की सरकार लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटती है, पर हमारे सरकार का उद्देश्य समग्र विकास करना है। झारखंड में निवास करने वाले सभी लोगों के विकास कैसे हों, इसकी चिंता हेमंत सोरेन करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी में नामांकन नहीं हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि इस चरण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मांडू है, जबकि झरिया सबसे छोटा क्षेत्र है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बोकारो विधानसभा क्षेत्र है और सबसे छोटा सिल्ली है। इस प्रकार सर्वाधिक मतदाता के दृष्टिकोण से बोकारो सबसे बड़ा और लिट्टीपाड़ा सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 57 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा है। मंगलवार 22 अक्टूबर को 32 लोगों ने नामांकन किया।
इस चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जाने हैं। इसके अलावा अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 12 मामले दर्ज हुए हैं, उन पर कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। सर्वाधिक 8 मामले गढ़वा जिले में दर्ज हुए हैं, वहीं एक एक मामला रांची, सरायकेला, खरसांव, धनबाद और सिमडेगा जिले में दर्ज हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनावी गतिविधि को प्रभावित करने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। राज्य में कुल 290 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 12.5 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार के द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित भोजपुरी गीत का वीडियो भी जारी किया गया। इसके गीतकार और संगीत संयोजक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार हैं। बोकारो में भयमुक्त वातावरण और निष्पक्ष चुनाव करने को लेकर बोकारो पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक के सभागार में डीआईजी कोयला क्षेत्र सुरेंद्र कुमार झा और बोकारो के एसपी मनोज स्वर्गीयारी के नेतृत्व में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी थाना के थानेदार, सभी डीएसपी मौजूद रहे। डीआईजी कोयला क्षेत्र सुरेंद्र झा ने मौजूद सभी डीएसपी और सभी थानेदारों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि बोकारो में भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी कोयला क्षेत्र सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर आज इस अहम बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में संगठित और असंगठित अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ सभी चेक पोस्ट पर गहन जांच अभियान के साथ साथ नक्सली क्षेत्र में भी लोगों को पिछले चुनाव की तरह इस बार भी भयमुक्त होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। किशनगंज में हिंदू सम्मान यात्रा के दौरान किशनगंज के गांधी चौक में यात्रा में शामिल महिलाओं और काफिले की गाड़ियों को प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुस्सा हो गए। इस दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए यात्रा को रोक दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा में शामिल स्वाभिमान रथ की छत पर चढ़ गए और कहा कि यात्रा के काफिले की गाड़ियों और यात्रा में शामिल महिलाओं को प्रशासन द्वारा वापस नहीं बुलाया गया तो आगे नहीं जाऊंगा। इसके बाद यात्रा में शामिल कार्यकर्ता भी भड़क गए और सड़क पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यहीं से रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद सड़क पर बैठे कार्यकर्ता और यात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री और आचार्य दीपांकर महाराज ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने डीएम और एसपी से भी मामले को लेकर फोन पर बात की। हनुमान चालीसा पाठ खत्म होने के कुछ देर बाद काफिले में शामिल गाड़ियां और महिलाएं वापस आ गईं। तब जाकर उन्होंने अपना वहीं से भाषण शुरू किया और यात्रा समाप्त कर चले गए। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब जुम्मा का नमाज पढ़ेगा तो आपकी जुबान नहीं खुलेगी, चाहे सड़क पर पड़े या जहां पड़े। आप मुझे रोक रहे हैं, हम तो वो लोग हैं जो दूसरों की बात चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हिंदू इकट्ठा हो, ना किसी से डरेंगे और ना किसी को डराएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 5 जिलों की यात्रा पर किशनगंज पहुंचा हूं। मैं दंगा करने वाला नहीं हूं, बल्कि दंगा करने वालों को रोकने वाला हूं। यहां हिंदुओं को एक करने की यात्रा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया में एक विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अररिया में रहना है तो सामाजिक सद्भाव कायम रखना होगा। वहीं
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अररिया प्रदीप सिंह के बाप का नहीं है, अररिया हम सबका है। प्रदीप सिंह हमारे गंगा जमुनी तहजीब को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह तुम अपनी जबान को संभाल लो वरना तुम्हें खदेड़ने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कहा कि वह सीमांचल में आकर यहां की शांति वातावरण को बिगाड़ने का काम न करें। वहीं आरजेडी से एमएलसी शोएब ने कहा कि इस देश में सभी भाई मिलजुल कर रहते हैं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। इस देश का एक भी लोग नहीं चाहेगा कि हमारे देश के लोगों में आपस में लड़ाई हो। देश के किसी हिंदू का स्वाभिमान जागा हुआ नहीं है। ये इस देश के हिंदू समाज को सोचने और समझने की जरूरत है, इनको जवाब देने की जरूरत है। पूरे समाज को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अरे इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, इससे बड़ा स्वाभिमान इस देश के हिंदू समाज को और क्या मिलना चाहिए? क्या मिला, क्या मिलेगा? इस देश का एक एक हिंदू स्वाभिमानी है। इस देश का एक एक हिंदू नहीं, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग स्वाभिमानी है। इस देश में जो भी लोग रहते हैं वो स्वाभिमानी है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए गिरिराज सिंह जी हों या ये लोग हों, ये लोग अगर ये कहना चाह रहे हैं कि स्वाभिमान को जगाने आए हैं, इसका मतलब कि आज 10 साल से इनकी सरकार है, इससे पहले भी इनकी सरकार रही है एनडीए की, स्वाभिमान मरा हुआ था। ये खुद 10 साल से मिनिस्टर हैं, तो मरे हुए स्वाभिमान के साथ मिनिस्टर थे, क्यों मिनिस्टर थे ये? मुझे ही नहीं, सीमांचल के जनजन को और कनकन को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहां रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूं। इसलिए ये देश भारत किसी की बकौती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अग्रे पिछड़े गोरे काले सबों का यह देश है, सबों को समान नागरिकता मिली हुई है। और एक देश जो धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है और हमारी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो सेकुलरिज्म है बहुत ही आइडियल है, वो ये है कि हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अररिया से भाजपा सांसद के विवादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है, साथ ही उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा है। भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के बयान को तेजस्वी ने बिहार का माहौल बिगाड़ने वाला बताया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया है, साथ ही लिखा है कि आज भाजपा के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आजादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक मेरी सांस है, मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ पूरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जरिए बड़ा दंगा भड़काने का काम सीमांचल के इलाकों में किया जा रहा है। वो सीमांचल के इलाकों में गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगा भड़काने के लिए सीमांचल इलाकों में गए हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने का काम और प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। शिवपुरी के मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम बगवारा में साल भर पहले एक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। युवक की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपित पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 11 से 12 सितंबर 2023 की रात मालिक राम की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। शिवपुरी
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश पर मायापुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पीएसटीएन डेटा और कैफ रिपोर्ट के आधार पर जब पड़ताल शुरू की तो पुलिस को एक मोबाइल नंबर संदिग्ध नजर आया। जब उस मोबाइल नंबर की पड़ताल शुरू की तो मोबाइल नंबर जालंधर निवासी प्रेम लता कौर का पाया गया। पुलिस ने जब पंजाब जाकर पता किया तो प्रेम लता ने बताया कि उसकी सिम खो गई थी। पुलिस ने इसके बाद कॉल डिटेल चेक किए तो पता चला कि इस मोबाइल को अशोक लोधी चला रहा था। लोकेशन के आधार पर अशोक लोधी जालंधर पंजाब से पकड़कर मायापुर थाना लाया गया और पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध हैं। घटना वाले दिन दोनों को मालिक राम ने संदिग्ध हालातों में पकड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने हसिया से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सागर जिले के देवरी विधानसभा का आदिवासी सुना गांव शासकीय योजनाओं से वंचित है। इस गांव में लाडली बहनें तो हैं, लेकिन लाडली बहन योजना नहीं है। गांव में आवास तो है, लेकिन आवास योजना गुम है। ऐसी बहुत सी शासकीय सेवाएं हैं जो हिंदुस्तान के गरीब तबके के व्यक्ति को शासन से मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन इस गांव के लोगों को शासकीय सेवा या शासकीय योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला है। 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी अब तक इस गांव में कोई भी शासकीय योजना नहीं लागू हुई है। यह गांव देवरी विधानसभा में आता है, जो सागर की एक विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा से विधायक हैं, लेकिन विधायक के शिकायत करने के बाद भी इस गांव में कोई भी शासकीय सेवा नहीं मिली, जिस बात से नाराज होकर विधायक अपना इस्तीफा लेकर विधानसभा में घूम रहे हैं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर नगर निगम गुरुग्राम में शुरू किए गए समाधान शिविर के दूसरे दिन नगर निगम कमिश्नर डॉ. नरहरि सिंह बागड़ ने काम न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। साइबर सिटी के राजेंद्र पार्क में सीवर का ढक्कन न लगाने और शिकायतकर्ता के चोटिल होने की शिकायत पर नगर निगम कमिश्नर ने दोजई सतेंद्र और जसविंदर, एसडीओ दिलीप यादव और एक्सईएन संजीव कुमार का 15 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। वहीं निगम कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि कार्य में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगर निगम द्वारा शुरू किए गए समाधान शिविर में समस्याएं लेकर पहुंच रहे लोगों की माने तो समाधान शिविर का काफी लाभ मिल रहा है। उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।